जो टॉपिक है हमारा वो है संज्ञा के प्रश्न। देखिए संज्ञा संज्ञा बोले तो न हो, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। विगत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत ये प्रश्न आए हुए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न है विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखिए शब्द है हमारा विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है विदुषी, विद्वान का विदुषी स्त्रीलिंग रूप है, इसमें भाववाचक संज्ञा का बोध नहीं है, ये ध्यान रखें। विधाता बनाने वाला, विद्वत्ता। अब चौथा है वरदान। तो देखिए कि विद्वान का विद्वत्ता ये हमारा क्या करता है, भाववाचक संज्ञा का रूप बना रहा है। तो पहले का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, विद्वत्ता, यानी कि ये इसके अंदर क्या है, बहुत ही भाव को बारे में बताया गया। दूसरा प्रश्न है तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, वाक्य में धोखा संज्ञा है। यहाँ देखो धोखा क्या है आपके, धोखा धोखा कौन सी संज्ञा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है भाव, सेकंड है समुदाय, सी है जातिवाचक, डी है व्यक्तिवाचक। अगर कभी हमारे सामने इस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हम थोड़े से विचलित तो हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में धैर्य का साथ लें। जब ऐसे प्रश्नों को समझ में नहीं आता है तो आप उसको उल्टे क्रम में करें। जैसे कि इसका ऑप्शन क्या है, पहला क्या है भाव, दूसरा समुदाय, तीसरा जाति, चौथा व्यक्ति। धोखा पर्टिकुलर किसी का नाम है क्या, नहीं है, तो व्यक्तिवाचक तो नहीं है, क्रॉस कर दो। जातिवाचक, जाति का बोध या संपूर्णता, संपूर्णता तो इसमें नजर ही नहीं आ रही मुझे। और जातिवाचक का पॉइंट क्या है, समूह है, दोनों चीज एक साथ आपको देंगे, ये ध्यान रखें। अब बचा कौन सा अपन का भाव, तो ध्यान रखे धोखा क्या है, भाव ही तो है, उसने मुझे धोखा दिया, ये क्या भाव के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 3 मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखे मधुर, तो मधुर से बना क्या, माधुर्य, पहला ऑप्शन है, क्योंकि मधुरिमा, माधुर्य और मधुरता ये तीनों अलग है। एक बात ध्यान रखना कि मधुर से मधुरता बनता है, लेकिन यहाँ जो मधुरता है वो विशेषण का बोध करा रहा है, ना कि भाव का बोध करा रहा है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है, पहला है क्रुद्ध, दूसरा है क्रोधी, सी है क्रोध, और चौथा है क्रोधित। और हमें क्या करना है, संज्ञा लेना। देखो क्रोधित में मूल शब्द क्या है, क्रोध, इत प्रत्यय लगा, इसका तात्पर्य क्या, मूल शब्द क्रोध है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, क्रोध होगा। अगला प्रश्न देखिए कि कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला, कोयले के प्रकार आप जानते हो, लिग्नाइट वगैरह नहीं सारे, तो व्यक्तिवाचक तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ कहते हैं कि लिग्नाइट या बिटुमन कोयले की हम बात कर रहे हैं तो व्यक्तिवाचक में चला जाता, लेकिन यहाँ तो शब्द क्या लिया हमारा, केवल और केवल कोयला, कोयले में सारे कोयले शामिल होते हैं, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, जातिवाचक संज्ञा होगा। मिठास शब्द, मिठास देखिए मिठास बोध करा रहा है भाव का, सीधी सी बात है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए प्रश्न संख्या है 7, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। महात्मय शब्द है क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक। देखो महात्मा से बना है महात्म्य, तो उत्तर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखिए भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है सुंदर, तो सुंदर तो क्या है, विशेषण है। स्वास्थ्य उत्तम, ये विशेषण की अवस्था हो जाती है, कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य किसका बोध कर रहा है, भाव, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। नवा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये विद्यार्थी कई बार इसमें गलती कर देते हैं, इस नहीं को तो भूल ही जाते हैं, कहते हैं यार जातिवाचक संज्ञा सरसव संपूर्णता का बोध कर रही है, अरे भाई ये जातिवाचक संज्ञा है, लोहा जातिवाचक संज्ञा है, लकड़ी है, पुस्तक है, तो मुझे समझ में नहीं आई है, जब ये सारे है तो इसमें अपना उत्तर कौन सा होगा। ध्यान रखिए ये सेसो क्या आपके अवस्था का बोध करा रहा है, भाव का बोध करा रहा है, शिशु धन आओ ध्यान रखे।
तो ये आपके जाति और चिंगे नहीं, बाकी लोहा है, लकड़ी है, पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो देखो ममता पर्टिकुलर नाम है, बैल बैल में सारे आगे इसका मतलब एक क्रॉस, राम है श्याम है लेकिन पीछे क्या आ गया कुत्ता, कुत्ते में सारी नस्लें आती है इसलिए ये जातिवाचक हो गया, इसका मतलब ये भी बी रॉन्ग। गाय पहले दिख रहा है आगे बढ़ो ही मत, मोहन है नानू राम है देखा है तीनों विशेष का बोध करा रहे, इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा डी, मोहन नानू राम देखा, ये तीनों ही हमें किसका नाम बता रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो देखिए मित्रों कुछ एक प्रश्न हमने यहाँ पुट अप किए थे जिसमें प्रश्न बताए गए थे कि संज्ञा के रूप किस रूप में हमें इसको पहचानना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। इसी के साथ हमारा संज्ञा का टॉपिक होता है समाप्त। धन्यवाद।